अस्सलाम वालेकुम, मेरा ऑपरेट है, आज मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर, मेरे लिए दुआ करने, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते सब खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका उस टाइप का दोस्त राधा रसी। तो आज के नए लोग मैं अपनी मेजर। तो गाइस, आज हम जिना हॉस्पिटल लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बच्चा मंसूर नाम का है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और ये पाकिस्तान में फर्स्ट बच्चा है जिसकी 12 साल उम्र है। उसकी वालदा ने उसको गुर्दा अता किया है। तो चलते हैं हम लोग की तरफ। तो जी गाइस, आज हम मौजूद हैं मंसूर के साथ जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो गाइस चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, तो आपको दिखाते हैं कि मंसूर के क्या तसरात है। जी मंसूर, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मंसूर, अब आपकी तबीयत पहले बेहतर थी, अब बेहतर है? अब बेहतर है। तो आपको किडनी किसने डोनेट की है? मेरी मम्मा ने। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी मम्मा और पापा के बारे में? अल्लाह ताला ने मेरी मम्मा को मुझे सेहत दी है और मैं अपनी मम्मा पापा से जन्नत से बहुत प्यार करता हूँ। तो डॉक्टरों के, हमारे डॉक्टरों के, यूरोलॉजी की टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सबका शुक्रिया करूँगा जिन्होंने यानी मेरे साथ रहे और मेरा ऑपरेट किया। बाकी सब मेरे फ्रेंड हैं, डॉक्टर्स वगैरह। कुछ आपके जो डॉक्टर फ्रेंड्स वगैरह उनके नाम याद है आपको? जी आप बताएं हमें कौन कौन से आपके फ्रेंड हैं। सर शिवजी, सर सलमान, सर नवीद जी, सर प्रोफेसर वगैरह, और सर सामा सर, मुदस्सिर और डॉक्टर हतीम, हमारे सारे जितने भी डॉक्टर हैं सारे। तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? तो अब आप खुश हैं? हाँ। तो कितने दिनों तक आपको छुट्टी हो जाएगी यहाँ से? इंशाल्लाह दो तीन दिन। दो तीन दिनों तक। तो गाइस आपने देखा कि माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मंसूर बिल्कुल ठीक ठाक है और रस्ता बस्ता है। तो प्लीज़ आप इसके लिए दुआ करिए कि अल्लाह पाक इसकी आने वाली जो ज़िंदगी है ना आगे वो भी आसान करे और सेहत तंदरुस्ती अता करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सामा याकूब है और मैं जिना हॉस्पिटल यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट टीम का रेजिडेंट हूँ। तो हमारी टीम में प्रोफेसर नवीद इकबाल साहब, डॉक्टर शबीर चौधरी, डॉक्टर सलमान अरशद, डॉक्टर शाहजहाँ, डॉक्टर आबिद, डॉक्टर फहद और बाकी हमारी टीम यहाँ पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ और साथ हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं। तो मंसूर हमारे पास प्रेजेंट हुआ था रीनल फेलियर के साथ, तो मेडिकली हम टर्म यूज़ करते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के साथ हमारे पास प्रेजेंट हुआ था और कैंडिडेट फॉर ट्रांसप्लांट था। तो इसका वर्कअप करवाया गया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रांसप्लांट किया और आज इसको 11th पोस्ट ऑपरेशन डे है और मंसूर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी आपने वीडियो देखेंगे उसके अंदर आप मंसूर को बाहर भी लेके जा रहे हैं, तो वो भी इसका फर्स्ट डे था कि आउट ऑफ वार्ड हुआ है कि नेचुरल एयर में ट्रांसप्लांट के बाद वो पहली दफ़ा सांस लेने के लिए गया है और बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, एंथुजियास्टिक है। बाकी तो डॉक्टर उसामा हमें ये भी बताइएगा कि जिस हालत में ये आया था तो क्या कंडीशन थी इसकी उस टाइम पे? उस टाइम रीनल फेलियर में था, हफ्ते में दो दफ़ा इसके डायलिसिस होते थे, तो उसके बाद यूरिया कटनिंग जो है इसके नॉर्मल रेंज में रहते थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह 11th डे है तो बिल्कुल स्टेबल है और यूरिया कटनिंग इसके बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल रूटीन डाइट ले रहा है और कुछ चल फिर रहा है, जैसे आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब हमें ये भी बताइए कि अगर कितने पैसे लग जाते हैं अगर कोई बंदा यहाँ से किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहे तो? प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो भी पेशेंट जिना हॉस्पिटल में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 ट्रांसप्लांट कर लिए हुए हैं इस टाइम तक, तो किसी भी पेशेंट का एक रुपया भी बाहर से नहीं लगता। तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पेशेंट को प्रेजेंट होना होता है और कोई ऑपरेशन के बाद उसका कोई भी खर्चा यहाँ पे नहीं आता होता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है टिल उसका डिस्चार्ज। तो सर हमें ये भी बताइएगा कि ये मंसूर कब तक डिस्चार्ज हो जाएगा? होपफुली एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं दे सकता लेकिन इंशाल्लाह जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो गाइस आज हमारे साथ मौजूद हैं कि मंसूर के वालिद साहब, ये हमें बताएंगे कि ये कहां से आए हैं और इनके बच्चों को ये गुर्दों का मर्ज कैसे लाहक हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम कुरम शहजाद है और मैं डिस्ट्रिक्ट बहामुलनगर से बिलोंग करता हूं
मेरा बेटा राव मंसूर मोहीउद्दीन, जिसको बाई बर्थ जो है वो किडनी का प्रॉब्लम है और वो सीकीडी में दाखिल हो गया और पूरे पाकिस्तान से उसका ट्रीटमेंट मैंने करवाया। 13 साल से वो बच्चा मतलब है मेडिसिन पे चल रहा था, अब आगे वो गुज़िश्ता 3 माह से डायलिसिस पे हुआ, फिर जो है वो पीके वाला ही रबता किया लेकिन जो है वहाँ पर इसका ऑपरेट ना हो सका। ऑटोरॉल जो है वो इसको मैं जो है वो जिना हॉस्पिटल इधर लेके आया हूँ, यूरोलॉजी वार्ड, इसमें जो है वो डॉक्टर्स ने इसको चेक किया और इसकी जो है ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद प्लान बनाया ट्रांसप्लांट का। और मेरी मिसेज यानी कि बच्चे की वालदा ने मंसूर को किडनी जो है वो अतिया किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवरी की तरफ है और बहुत बेहतर। तो कुरम भाई हमें ये बताइए कि कितने साल से ये मर्ज था उनको? ये जो है वो 13 साल है उसकी एज है और 13 साल से यानी बाई बर्थ ही वो किडनी के इस मर्ज में मुब्तला है और यहाँ की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। जो है प्रोफेसर नवीद साहब हैं, सलमान अरशद साहब हैं, चौधरी शबीर साहब और उनकी तमाम टीम, और स्पेशली मैं जो है वो चौधरी शबीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो फर्स्ट डे से मेरे साथ टच में हैं, व्हाट्सएप और मोबाइल कॉल उन्होंने खुद ही रबते किए और सारा कुछ ये प्रोसेस किया और उनकी शफकत है कि उनकी यानी कि सारी मेहनत है, अंत तक मेहनत से बच्चा जो है उसको अल्लाह ताला ने आज एक नई ज़िंदगी दी है और बच्चा और उसकी वालदा दोनों अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी की तरफ है। इसके अलावा जो दीगर जो टीम है, नर्स स्टाफ है, जितने स्टाफ मौजूद है और क्लास 4 के मुलाजमीन हैं, जितने भी हैं सब लोग प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, और मैं जो है वो काफ़ी टाइम से इधर जिना हॉस्पिटल लाहौर में मौजूद हूँ और मुझे नहीं महसूस हो रहा कि मैं अपने घर में हूँ या मैं हॉस्पिटल में। तो खुर्रम भाई हमें बताइएगा कि सुना है हमने ये कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ आपका? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है और ये पॉसिबल नहीं था जबकि जिना हॉस्पिटल ने ये पॉसिबल कर दिया और मैं तमाम इंतज़ामिया, तमाम जो भी यूरोलॉजिस्ट वार्ड में पूरी टीम है, जो शबीर साहब, नवीद साहब, सलमान अरशद साहब, दीगर डॉक्टर्स, डॉक्टर हदीम फातमा जो हैं, मुदस्सर साहब हैं और दीगर जितने भी डॉक्टर हैं जो अभी तक भी ड्यूटी कर रहे हैं मेरे बच्चे के साथ और उसका जो है वो ख्याल रख रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। तो खुर्रम भाई हमें ये भी बताइएगा, सुना है कि सीएम साहबा ने भी कोई पैगाम भिजवाया था इनके लिए, बच्चे के लिए खसूसी तौर पर, ज़रा वो भी हमें बताइए। नवाज साहिबा ने माशाल्लाह इनके लिए जो है वो बच्चे के लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा है, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, ख्वाजा सलमान रफीक साहब, इमरान नज़ीर साहब, जितने भी ये बुजरा जो है तशरीफ़ लाए हैं 1-to-1 और इन्होंने भी जो है वो मोस्टली मंसूर का बहुत ख्याल किया है और मैं इनके लिए भी दुआ गो हूँ और इनके भरपूर तामन के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मज़ीद ये कि मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आफ्टर ट्रांसप्लांट किडनी पेशेंट है उसके लिए लॉन्ग लाइफ जो है वो मेडिसिन बड़ी कॉस्टली है, तो ये इनसे मज़ीद गुजारिश यही है कि इसमें मेरी हेल्प आउट करें। तो खुर्रम भाई हमें ये बताइएगा कि आप मुतमिन हैं यहाँ से हॉस्पिटल से? मुकम्मल सेटिस्फाई हूँ। बिफोर ट्रांसप्लांट मैं आवाज़ बांधता था, बिल्कुल किसी चीज़ की कोई समझ नहीं थी और बड़े ही हालात ख़राब थे, बड़ा टेंशन में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही इसका ट्रांसप्लांट हो गया और ये जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहा है तो मैं मुतमिन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी फैमिली, दीगर भाई हैं, दोस्त हैं, मेरे बुजुर्गवार हैं, सब बहुत यानी कि सब रिलैक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह और खुश भी हैं, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे। तो खुर्रम भाई हमें ये भी बताइएगा जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा क्या पैगाम है आपका? उनके लिए यही है कि वो इसमें डरने वाली बात नहीं है, इसमें जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, जो बीमार है और जो लोग उनके साथ ऊपर गुस्सा लगे हुए हैं उस टेंशन में होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो होते हैं कि भाई अब ये डायलिसिस पे पेशेंट चला गया है तो वो परेशान होते हैं, फिर वो ट्रांसप्लांट का उनका प्लान बनता है तो परेशान होते हैं। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सब अल्लाह के फैसले हैं, कोशिश यही करनी चाहिए कि जो सीकेडी में दाखिल हो गया बेहतर यही है कि टाइमली इसको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और जीना से ही करवाना चाहिए।
तो खुर्रम भाई हमें बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको इन 13 सालों में। 13 साल में सबसे पहले जो है वो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से इलाज शुरू करवाया, वहाँ पे इसका डायग्नोज ना हुआ, लेकिन कुछ मंथ के बाद मैं इसको लाहौर लाया, यहाँ से इसका डायग्नोज हुआ कि इसको RTA यानी किडनी प्रॉब्लम है, और इसका रेगुलर मैं यहाँ लाहौर से ट्रीटमेंट प्राइवेट करवाता रहा। जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ के, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैंने सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख किया। PKLI लाहौर कई मरतबा लाया, लेकिन फासला बहुत दूर, बहुत फासला है, बड़ा कॉस्टली है और कोई कंसेशन नहीं। उसके बाद मैं इसको रावलपिंडी भी ले गया हूँ, कराची SIUT ले गया हूँ, बहावलपुर, साहिवाल, उकाड़ा, बहावल नगर के दिगर जो है वो तहसील, उसमें यानी कि पूरा पाकिस्तान मैं इसको बच्चे को ले कर फिरा हूँ। लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो इलाज है वो ट्रांसप्लांट है वो इधर जिना हॉस्पिटल लाहौर से। तो खुर्रम भाई हमें ये बताइएगा आप मंसूर की कैसी तबीयत और आपकी वाइफ की कैसी तबीयत है अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरी की तरफ हैं, रिकवरी की तरफ हैं, और उनकी डाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मेडिकेशन जारी है, और उम्मीद है कि वो जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। और ये मैं पूरी फिर दोबारा यूरोलॉजी टीम, चौशबी साहब, नवीद साहब, सलमान अरशद साहब और दीगर जो डॉक्टर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, और सबके लिए दुआ करूँगा अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे, और इस बच्चे की सेहत तंदुरुस्ती, इलाज और ट्रांसप्लांट तक मेरे बुजुर्गवार ख्वाजा मसूदुल हसन गंजकादरी चिश्ती साबरी, मेरे बड़े भाई मोहम्मद अकरम साहब, वकार आजम, मती रहमान, नसीब रहमान और सारे दीगर बरादरान, दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब सब ने दुआएँ की, मेहनत की और मेरे शाना बिशाना खड़े रहे, और सब और सबसे बड़ी कुर्बानी मेरी मिसिस की है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, दराजी ज़िंदगी दे। इसके अलावा जो उनके वालदैन हैं, भाई हैं दीगर, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, मेरे अंकल हैं, अनी मामू हैं, वो जो है मतलब है उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, यहाँ पे मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है, और दीगर सब का मैं तो इतने लोग हैं कि भी हो सकता है कई ऐसे हैं जिनका मैं मुझे याद भी नहीं है, मैं उनका शुक्रिया नहीं अदा किया और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर आप लोग किडनी ट्रांसप्लांट करा लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने सीधा जिना हॉस्पिटल की यूरोलॉजी वार्ड में आना है और डॉक्टर शबीर चौधरी साहब से आके मिलना है, तो इंशाल्लाह आपका फ्री ऑफ कास्ट आपका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।